अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का वेदर चेक करें, इतना मज़े का और मीठा मीठा वेदर होता है सुबह सुबह। जब मैं शटर ऊपर करती हूँ तो सब्जा सा नज़र आता है, उसके बाद आसमान भी। आज तो काफ़ी हद तक लगता है बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्दी जोन से है यहाँ पे। आपको पता ही है, पता नहीं चलता दिन में सर्दी और रात में गर्मी, रात में गर्मी दिन में सर्दी, या फिर 2-3 घंटे बाद ही सर्दी शुरू हो जाती है। मार्केट गए हों तो मार्केट से बाहर निकलते हैं तो एकदम से ही गर्मी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मौसम का कोई इतबार नहीं है। तो खैर, आज का मौसम बड़ा ही मज़े का था। बाहर निकली थी मैं तो 3 से 4 मिनट ही बंदा बाहर खड़ा रह सकता है कोट के बगैर और विद आउट एनी थिंग फॉर विंटर स्पोर्ट, ओके। और अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। वह मदरी जोन से है ना, वो अपनी शक्लें शुक्लें बनाता है सुबह सुबह, फजर को फिदा को तंग करता है। और फिदा क्योंकि वॉशरूम में गई हुई है अब अपना फेस वॉश करने के लिए और साथ में टूथब्रश करने के लिए, सुबह सुबह बच्चों ने किंडरगार्टन जाना होता है तो वो फिर रेडी होती हैं। तो मैंने इनको 7 बजे पूरे उठा दिया था, अलार्म 7 बजे बज गया था और मैंने इनको फ़ौरन से उठाया है। और मोहम्मद अली की कोशिश यही होती है कि वो जल्दी जल्दी से ना सुबह सुबह तैयार हो जाए। और आज क्योंकि उसका मूड फ्रेश था, और कभी होता है ना ऐसा बच्चा सुबह सुबह फ्रेश उठता है और शरारती मूड में होता है, आज मोहम्मद अली का कुछ इस तरह से ही मूड बना हुआ है। और इस तरह का मूड उसका होता है ना जब, तो वो मार ही खाता है सुबह सुबह। तो अब सुबह सुबह उसने मार ही खा लेनी है, मुझे तो यही लगता है जिस तरह की उसने हरकतें शुरू की हुई हैं। कभी फजर को छेड़ता है, कभी ईसा को छेड़ता है। और फजर को ना इसने कमरे में बंद कर दिया था, ज़्यादा बंद कर दिया था। उठ रही थी वो तो उसको कह रहा था कि अभी ना तुम बाहर आओ, अभी हम लोग जिंदर गार्डन चले जाएंगे ना तब तुम बाहर आना, क्योंकि इसने आगे वाली सीट पे बैठना होता है फ्रंट पे पापा के साथ, ड्राइविंग वाली सीट के साथ। तो वैसे तो अगर फजर साथ जाए तो वो फिर आगे बैठती है ना, वरना मोहम्मद अली और फिदा पीछे बैठती हैं। तो इनको बड़ा ये लालच होता है कि हम लोग ना बैठें। मैंने मलाई उतार ली है और अब मैं जो सारा नींबू पानी पीने लगी हूँ। जब सुबह सुबह मुझे अजीब सी क्रेविंग होती है ना, तब मैं नींबू पानी पी लेती हूँ। तुम भी आ जाओ, अब आ जाओ नाश्ता कर। बाय बाय फजर, बाय बाय, बाय बाय। चल बेटे नाश्ता करो आप। दली यहाँ पे कह रहा है फजर मुझे पारी दो, लेकिन वो नहीं दे रही, बड़ी जिद्दल है। तेरा पीछे होना फिदा, ममदली पारियां की हैं अपने भाई। जैसे आगे बैठे हुए थे तहफे करने की ना यार, मेरा भी सारा वीडियो कर रही हैं, थोड़ा बड़ी कर रही है, बड़े ना बैठने चली जा, बैठो, इग्नोर कर रही है इसको। फजर पारी करो भाई को, पारी करो, पारी पारी ममदली के, पारी करो ममदली, पीछे करो अपना मुंह। अच्छा चलो ठीक है, नहीं पारी करनी, ओके ओके ममदरी रहने दो, नहीं। हाँ जी हाँ जी, मम्मा ने बोला चलिए, सर्दी फिदा सर्दी अंदर आ गई। फिदा कॉम लेके आओ, कॉम लेके आपको कॉम करूँ। चले जी, शुक्र है अल्लाह ताला का, बच्चे जो उनसे वो तैयार करके किंडरगार्टन भेज दिए हैं। अब जी वही ड्यूटी जो है ना बच्चों को भेजने के बाद करती हूँ। अगर खाना बना हुआ हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ना बना हुआ तो फिर मुझे इसी टाइम से शुरू करना पड़ता है जब बच्चे किंडरगार्टन चले जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं ना इस टाइम
सोने के मूड में होते हैं, तो मैंने फटाफट से काम करके या तो इनको सुलाना होता है या फिर इनको सुला के काम करना होता है। तो फटाफट से हंडिया पका लेती हैं प्याज डाल के, तो बस मैंने हल्का फुल्का सा इसको भूनना है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। और आज मैं टमाटर नहीं यूज़ कर रही इसके अंदर, मैं यूज़ कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट जो रेडीमेड मिलता है, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा दिल नहीं करता ये यूज़ करने को, पता नहीं इसका फिर कलर जो होता है ना बहुत ज़्यादा डार्क रेड आता है, तो आज मैं लोबिया में यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती, टमाटर ही यूज़ करती हूँ। वैसे भी टमाटर आजकल इतने महंगे नहीं हैं, सही सीज़न है टमाटरों का ना। नहीं गाड़ी चलती नहीं है, इसकी चाबी फिर भी नहीं चल रही। हाँ जी जी, अब हम यहाँ पे बैठ के चावल खा रहे थे, हस्बैंड ने और मैंने खा लिए हैं, बल्कि खा रहे हैं और साथ साथ बच्चों को देख रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बड़े मज़े के चावल बने थे, रियली यमी यमी। तो जो अपना मंदिर जफा जो यहाँ से गंदे बच्चे। हाँ जी, तो यहाँ पे जी मैंने बनाया था बैंगन को और इसको पिज़्ज़ा टाइप ना, जैसे पिज़्ज़े के ऊपर सारी चीज़ें लगा देते हैं और चीज़ डाल देते हैं, मैंने बैंगन को लगा किस तरह तो अपने लिए तैयार कर लिया था। ये मैं लंच कर रही हूँ और बड़े मज़े का बनता है, और कभी भी मैं ऐसा करती हूँ अपने लिए ना स्पेशल, और ये बना के मैं खाती हूँ, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। हस्बैंड को तो फिर सिर्फ मैं एक ही दफ़ा देती हूँ एक ही चम्मच और कहती हूँ मज़े का है ना, बस ठीक है, फिर मैं नहीं खाना है, आपने तो बस ये खाना है दाल और साथ में चाय, और फिर आपने काम पे चले जाना है, आपको मैं दूसरा खाना बना दूंगी, ये सिर्फ मेरे लिए है। तो अब जी वो कर रहे थे दोपहर के टाइम नाश्ता, क्योंकि यहाँ की दोपहर जो से इतनी ठंडी दोपहर है मैं आपको क्या बताऊँ, इसलिए गरम गरम नाश्ता करना चाहिए, गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए ताकि थोड़ी ना हीटिंग मिले, मीन्स के विंटर के हवाले से बहुत ठंड थी यहाँ पर ना। और देख लें आप बच्चों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं उस हिसाब से। और वैसे तो हमारा घर बिल्कुल गर्म होता है, हम लोग अपने घर को गर्म रखती हैं, जब भी कोई हमारे घर में मेहमान आता है ना तो यही कहता है कि आपका घर इतना गर्म है हमसे तो कोट पहन के बैठा ही नहीं जा रहा, हालांकि वो अपने घर में सिर्फ कोट पहन के ही बैठते हैं। तो हम लोग ऐसा घर को हीट रखते हैं ना कि बच्चे घर में हम लोगों के कपड़े भी पहन लेते हैं। और पीछे से आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, और ये चाय और नाश्ता और दाल का नाश्ता मैं भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसका जो है ना वो लंच कर रही हूँ। तो हस्बैंड का क्योंकि लंच टाइम नहीं था, ब्रेकफास्ट था, और मेरा लंच टाइम था,